हे गाइस, अगर आप एक लेजर प्रिंटर की तलाश में हैं, यानी कि एक लेजर प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आज यहाँ पर आपकी जो रिसर्च है वो एंड होती है। आज उस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 लेजर प्रिंटर्स इन इंडिया के बारे में, और उससे पहले हम आपको बताएंगे इनके फीचर्स के बारे में कि अगर आप एक लेजर प्रिंटर खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या मेजर फीचर होते हैं जो आपको देख लेने चाहिए उसको खरीदने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेस्टोपीडिया। तो अगर सबसे पहले एक लेजर प्रिंटर के फीचर की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आती है उसमें, अगर आप कोई भी प्रिंटर खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है उसकी मैक्सिमम स्पीड की, वो जो प्रिंटर आपका कितने पेपर पर मिनट की स्पीड से प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रिंटर के लिए। अगर आप ज्यादा बड़े काम के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको ये जो स्पीड है वो ज्यादा चाहिए, और अगर आप किसी छोटे मोटे कैफे के लिए, ऑफिस के लिए ले रहे हैं, तब आपको ज्यादा पैसा इस पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड चीज है यहाँ पर फीचर्स की, भाई आपका जो प्रिंटर है उसमें क्या क्या फीचर मिल रहा है। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रिंट कर सकते हैं केवल, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कॉपी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंट कॉपी स्कैन तीनों कर सकते हैं। तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से प्रिंटर खरीदना है कि भाई आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है किस प्रकार के प्रिंटर की है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है आपको कलर प्रिंटर की जरूरत है या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखना, क्योंकि अगर आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कॉपी करने के लिए आपको केवल एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की आवश्यकता है तो फिर आप ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए कलर प्रिंटर पर। और नॉर्मली लेजर में जो आपको प्रिंटर मिलते हैं ज्यादातर आपको सारे ही ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर मिलते हैं, और आज इस वीडियो में भी हम आपको सारे ही लेजर प्रिंटर बता रहे हैं तो सारे ही प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट ही है। चौथी चीज है यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी कि भाई आपको देखना है आपको किस प्रकार का प्रिंटर चाहिए। अगर आपको नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं आप यूएसबी से तो फिर आप ज्यादा पैसा मत खर्च कीजिए वाईफाई पर। अगर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी वाला प्रिंटर चाहिए तो आप वाईफाई वाला ले सकते हैं। तो इस पर जो है बजट आपका जो है डिपेंड करेगा। अगर आप यूएसबी वाला लेंगे सस्ता मिलेगा, आप ज्यादा फीचर्स देखेंगे तो महंगा मिलेगा, ये नॉर्मल बात है। अब जो चीजें बची जो आपको देखनी है वो है एक प्रिंटर की वारंटी और उसका प्राइस। प्राइस आपकी बजट पर डिपेंड करता है, साथ ही वारंटी भी उसके प्राइस पर डिपेंड करती है। तो ये दोनों चीजें आपकी ऑन फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करती हैं, तो ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। ये थे एक प्रिंटर के मेजर फीचर जो आपको देखने हैं उसको खरीदने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को, टॉप 5 लेजर प्रिंटर्स इन इंडिया को। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक कैनन इमेज क्लास नाम का ये लेजर प्रिंटर है। इसकी कीमत है 13,400 रुपए। मार्केट में जो इसकी रेटिंग है अमेजोन पर वो है 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। ये जो प्रिंटर है आपका ये केवल प्रिंट प्रिंट कर सकता है, प्रिंट और कॉपी ये स्कैन नहीं कर सकता। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 25 पेपर पर मिनट, और यहाँ पर इसमें आपको C4, A4 इस प्रकार के तमाम साइज मिलते हैं, जिसको चेक करने के लिए आप Amazon पर जा सकते हैं। कैनन की तरफ से आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो सबसे ज्यादा हाई रेटिंग वाला प्रिंटर है ये, और सबसे ज्यादा रिव्यूज भी इसके बेस्ट हैं। तो कैनन का प्रिंटर 13,400 का, अगर आपको केवल प्रिंट के लिए प्रिंटर चाहिए तो आप इसको बेझिझक ले लीजिए, इसमें आपको स्पीड से लेकर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है हमारे पास HP नेवर स्टॉप 1000 वॉट का एक प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है इसकी कीमत है दोस्तों 13,649 रुपए। मार्केट में इसकी रेटिंग है 4.2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। इसमें आपको वाईफाई और यूएसबी दोनों की कनेक्टिविटी मिलती है। ये लेजर प्रिंटर है तो इसमें आपको केवल ब्लैक एंड व्हाइट की जो फैसिलिटी है वो मिलती है। इससे आप प्रिंट कॉपी स्कैन तीनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है 21 पेपर पर मिनट। इसमें आपको A4, A5 इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा साइज हैं जो आप कर सकते हैं, इससे प्रिंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल में चेक करने के लिए आप जा सकते हैं Amazon पर। 1 ईयर की वारंटी मिलती है HP की तरफ से, और HP के जो प्रिंटर्स हैं लेज़र प्रिंटर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा नामी प्रिंटर्स हैं। तो अगर आप इसको खरीदते हैं तो 13,649 रुपये में आपको ये मिलेगा, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खरीदने के बाद। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है दोस्तों हमारे पास ब्रदर्स DCP B7500D नाम का एक लेजर प्रिंटर। इसकी कीमत है 15,048 रुपए। मार्केट में इसकी रेटिंग है 4.2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। इसकी जो स्पीड है वो 34 पेपर पर मिनट की मैक्सिमम स्पीड है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, यानी कि आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की और USB की दोनों की सुविधाएं मिलती हैं। 1 ईयर की वारंटी है ब्रदर्स की तरफ से। अगर आपको ये लेजर प्रिंटर पसंद आता है ब्रदर्स का तो इसको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको पसंद आए तो ऑर्डर कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है दोस्तों हमारे पास Ricoh SP नाम का एक लेजर प्रिंटर। इसकी कीमत है दोस्तों 9,999 रुपये। मार्केट में इसकी रेटिंग है 3.9 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो है 16 पेपर पर मिनट, यानी कि 16 पेपर पर मिनट। मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, आप यहाँ पर
प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों काम इससे कर सकते हैं। यूएसबी की सुविधा मिलती है, कनेक्टिविटी में आपको 1 ईयर की वारंटी है इसकी, और इसमें आपको A4 साइज, A5 साइज, इस तरीके के काफ़ी साइज मिलते हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं अमेजोन पर जाकर। लिंक इसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली पांचवें नंबर पर है दोस्तों हमारे पास HP LaserZ Pro नाम का एक प्रिंटर। इसकी कीमत है 16,799 रुपए। मार्केट में इसकी रेटिंग है 4.2 स्टार। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 20 पेपर पर मिनट की मैक्सिमम स्पीड, जो है प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मल्टी फंक्शन इसमें मिलते हैं आपको, यानी कि प्रिंट, कॉपी, स्कैन तीनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो प्रिंटर है इसमें आपको USB के साथ वायरलेस की सुविधा मिलती है, कनेक्टिविटी में 1 ईयर की वारंटी मिलती है HP की तरफ से। इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, 16,799 रुपये। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो सारे प्रिंटर हमने आपको बताए हैं इनके सभी के फीचर्स, इनके प्राइस और इनकी वारंटी, ब्रांड सभी अलग अलग हैं। तो अब आपको जो पसंद आता है, जो आपकी ऑन फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बैठता है, आपको किस काम के लिए चाहिए, इस तरीके से आपकी नीड के हिसाब से जो बैठता है आप उसको चेक कर सकते हैं। सभी के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसी प्रकार के रिव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट ऑफ मीडिया को और बेल आइकन को दबाइए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।